वेट क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है इसको, क्योंकि इनमें से कोई भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के साथ हम यानी इस इक्वेशन के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3x² + y² = 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x² + 5y² = 70, ठीक है, तो 70 आ जाएगा। उसके बाद हम इस इक्वेशन के नीचे इस इक्वेशन को लिखते हैं, 4x² - 5y² = 6, और यहाँ पे हमारे पास 15x² + 5y² = 70। अब देखो पहले क्वेश्चंस में हम सब्ट्रैक्शन करते होते थे, अब इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, जो साइंस है ना उनको उल्ट नहीं करना, अगर उल्ट करेंगे ना यहाँ पे अगर माइनस, ये माइनस कर देंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगी तो नहीं वैल्यू, तो हमने क्या करना है, इनको क्रॉस करना है ना, तो क्रॉस करने के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, 8th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एडिशन करनी है, एडिशन का प्रोसेस करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, तो एडिशन में जैसी साइंस हैं वो वैसे ही रहने हैं, तो ये प्लस माइनस का है 5y², ये कट जाएगा आपस में, और बाकी को हम प्लस कर लेते हैं, तो 19x² = 76 आ जाएगा, और फिर x² एज इट इज़, और 76/19 x² इनको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, स्केयर रूट लेंगे, बोथ साइड पे स्केयर रूट लिया तो हमारे पास आ गया x = +-2, ठीक है, हमारे पास x = क्या आ गया, +-2 के। अब हमने एक हमारे पास x है प्लस का और एक है x − 2 का, तो इसको किस तरह लिखना होता है, -2 या फिर इधर x = +2, इन दोनों को हमने इक्वेशन में पुट कर लेना है, सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू उसको, तो इक्वेशन क्या है, 3x² उसके बाद +y² = 14, क्योंकि हमारे पास 2x की वैल्यूज हैं तो हमने 2 टाइम्स ही लिखना होता है इसको, ठीक है, अब हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, x की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 3 × -2² + y² = 14, ये जो है ना ये तो एज इट इज सेम ही सॉल्व होना है, क्योंकि दोनों सेम ही है, 2 ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क ही है ना, तो प्लस जो माइनस है वो स्केयर के साथ तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है, इसका ये माइनस है स्केयर ख़त्म करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं 12 आ जाएगा, और +y² = 14, इसी तरह इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 को स्केयर ख़त्म किया तो 4 आना था ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, +y² = 14, अब क्या करना है, y को हम इधर ही रहने देते हैं, और 14 - 12 तो 2 आ जाएगा हमारे पास y², और यहाँ पे y² 14 - 2 ये भी 2 आ जाएगा y², तो अब हम इसका स्केयर रूट जब ख़त्म करेंगे तो स्केयर ख़त्म करेंगे स्केयर रूट से, तो अब 2 का स्केयर रूट तो ख़त्म नहीं होने वाला, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा और ये कट जाएगा, तो सिंपल y = √2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस, और इसी तरह यहाँ पे सेम बिल्कुल, ये भी y² है, स्केयर रूट 2 है, और
प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। और अब ये देखो दोनों सेम ही है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं क्या आई है, प्लस माइनस टू, और इसकी वाई की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट टू, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है।